तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हुआ सागर। आज मैं बनाऊंगा कुरकुरे अंडा की रेसिपी। तो दिखाते हैं उसका इजी प्रोसेस रेसिपी है, तो चलिए दिखाते हैं उसका रेसिपी। कुरकुरे अंडा के लिए हम लोग इसमें अंडा फोड़ते हैं। पहले एक अंडा फोड़ लिए थे, ये सारे अंडे हम लोग फोड़ के इसमें बॉल में रखेंगे। तो हम लोग अंडा में पहले हम लोग थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, तो टमाटर डाल दिए, फिर अदरक डालेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे और ये प्याज डालेंगे। इसमें सारा प्याज डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे टेस्ट के लिए, तो थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिए। फिर गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, बस उसके बाद अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। तो अंडा मेरा मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम लोग कुरकुरे डालेंगे। तो कुरकुरे का पहले हम लोग छोटा इसको छोटा छोटा बाइट बनाएंगे। एक प्लेट लेंगे, उसमें सारा कुरकुरे, और कुरकुरे डालने के बाद हम इसे इसे तूरेंगे अच्छे से। इसको सबको अच्छे से छूर कर इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको भूरा बनाएंगे। तो हमने सारा कुरकुरे को अच्छे से मिक्स कर लिया, तुर कर इसको छोटा छोटा बाइट बना दिया है। अब इसमें हम लोग सारा कुरकुरे को डाल देंगे अंडे के अंदर, और सारे कुरकुरे को अंडे में डालकर इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। तो हमारा अंडा कुरकुरे तो मिक्स हो गया है। तो हम लोग कुरकुरे के रैप में तो इसको तेल डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके, और सारा अंडा का जो प्यूरी बनाए थे अब सारे इसको अंदर डालेंगे। अब इसको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, गैस में हम लोग इसको ऐसे कवर, तो इसको सारे तरफ से सटा देंगे। तो हमारा अच्छे से रैप हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे हम लोग गर्म पानी में डालेंगे, रख देंगे। तो हम लोग रैप में से इसको अंडा को निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसे हम लोग कट करेंगे, देख सकते हैं, इसको हम लोग कट करेंगे। तब हमारा हो गया है, इसको कट करते हैं। अब इसको हम लोग छोटे छोटे बाइट में हम लोग कट कर देंगे, देख सकते हैं हमारा अच्छा से कुक हो चुका है, इसे लोग छोटे छोटे बाइट करेंगे। तो हम लोग अपने अंडे को पीसेस कर लिए हैं, अब इसको हम लोग फ्राई करते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग अंडा का पूरा बाइट डालेंगे, एक एक बाइट, सारा बाइट इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग सारे पीसेस को डाल दिए, अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, इसको पूरा रेड करेंगे। और देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पूरा तल के लाल हो गया, पूरा फूल गया अच्छा से, देख सकते हैं। अब इसे हम लोग निकालेंगे प्लेट में, इसे हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा अंडा फ्राई हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, पनीर के जैसे हुआ फ्राई, एकदम छोटा छोटा बाइट है। अब इसका हम लोग ग्रेवी बनाते हैं। तो इसी तेल में हम लोग सारा खड़ा गर्म मसाला डालेंगे, जीरा, गोलकी, लाल मिर्च, अब हम लोग इसमें प्याज का पेस्ट, अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे, अगर टमाटर डालेंगे उसी टाइम नमक डालेंगे, अब इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। तो ये हमारा मसाला हुआ, ये रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब हम लोग सारा मसाला को एक साथ इसमें डाल देंगे अंदर प्याज में, और इसको मिलाएंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। तो अपने मसाला को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा 5 मिनट से ऊपर हो गया है मसाला का, देख सकते हैं कलर भी अच्छा है, और हमारा मसाला सारा भुन जा चुका है। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन जा गया, अब इसमें हम लोग सारा अंडा का पीसेस डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। अब इसमें हम चिकन मसाला डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, तो पानी अपने टेस्ट डाल सकते हैं, जैसा आपको बनाना है। अगर लटपट बनाना है तो कम पानी डालें, ज़्यादा रस वाला चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें। तो पानी डाल चुके हैं अंडे में, अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो मेरा देख सकते हैं सब्जी हो, तो मेरा सब्जी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे, अगर आपको अच्छा लगता है कस्तूरी मेथी तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, स्किप कर सकते हैं। मुझे कस्तूरी मेथी अच्छा लगता है तो मैं डाल दिया। तो देख सकते हैं मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कलर भी अच्छा है। तो टेस्ट करके बता दे कैसा बना है, तो टेस्ट करके बता दे कैसा बना हुआ है। देख सकते हैं अंडा का पीस कितना अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट करके बता दे कैसा बना हुआ है। जो कुरकुरे का कॉम्बिनेशन मिला ना इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रहा है, एक बार आप ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।